है हल्लाक रज्जाल, ठीक है जी। और चलते हैं इसके अंदर और आज आपकी बात कराते हैं इनसे, नाई से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होती है सऊदी अरब में नाई की दुकान। ये एसी लगी हुई है, कुर्सी शीशा है जी, ठीक है। ये शायद ग्राहक बैठे हैं इनके या जानने वालों के, मालूम नहीं है। कुर्सी लगी होती है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मोहम्मद मिराज हवारी और आप देख रहे हैं हवारी गल्फ। तो कैसे आप सब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। तो गाइज फिलहाल मैं एक हल्लाक की दुकान पर हूँ और आपकी बात कराता हूँ, क्योंकि आप लोग यार काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो बनाओ हल्लाक के ऊपर भी, ठीक है। तो आ चुका हूँ मैं आज और आपकी भी बात कराता हूँ। तो जी शर्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ से हो शर्मा जी? यूपी से। यूपी से कहाँ से हो भाई? आजमगढ़। चलो बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया भाई सऊदी में? अरे हम, हमारी तो उम्र ही खत्म हो गई सऊदी में, थोड़ी सी बची है। अच्छा उम्र खत्म होगी लगभग, फिर भी कितने साल हो गए? यही मान के चलिए 20 साल। 20 साल तो कुछ नाई का ही काम करते थे या फिर कोई दूसरा करते थे भाई? नहीं यही काम करते हैं शुरू से। शुरू से नाई का ही काम करते हो? भी यही करते थे, यहाँ पे भी यही कर रहे। अच्छा इंडिया में भी यही करते थे? चलो बहुत बढ़िया। तो भाई काम वाम ठीक है इंडिया में? बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर बसर हो रहा है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। कोई नई का काम में आना चाहता है तो उसको क्या बोलोगे? उधर ही काम करना चाहिए, इधर आके फायदा है? नहीं, उसको सलाह देंगे उधर ही काम करो इस वक्त में, ये जो समय चल रहा है, दौर जो चल रहा है। जी जी, अभी वो उधर ही काम धंधा करे तो अच्छा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो अगर कोई सऊदी अरब में आना चाहता है बंदा नाई के काम में, तो वो कैसे आ सकते है भाई? आएगा, कपिल चाहेगा तो बुला लेगा, लेकिन अभी महंगा पड़ेगा, अभी बाहर दुकान वालों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कितने का तक वीजा मिल जाता है भाई? वही 6,500 रियाल का। 6,500 रियाल का, ये इंडिया में तकरीबन कितना बन गया? ये इंडिया में बन जाएगा 1,30,000। 1,30,000। तो अगर 1,30,000 खर्च करके आ रहा है आदमी कोई, तो वो कमाएगा कितना? इसका कोई गारंटी नहीं है, दुकान चल गया तो कमा लिया, नहीं चला तो नहीं कमाएगा। उसको आएगा तो 1 साल तो उसको भाषा सीखने में लग जाएगा नया आदमी। हाँ अरबी में ही बोलना पड़ता है सऊदी से, तो हिंदी तो बोलता नहीं। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो लगभग फिर भी कितना आमदनी हो जाती है महीने में? वही महीने का सोच लो इंडिया का 50-60 हज़ार आ जाएगा। अच्छा 50-60 हज़ार रुपए आम आदमी कमा सकता है अगर नाई का काम, लेकिन उसी में खर्च भी रहेगा। उसमें खर्च भी है? हाँ। खर्च कितना हो जाता है? खर्च वही मान लो 20,000 तक तो उसका खर्च हो जाएगा। तो फिर यार 30,000 रुपए बचा है तो कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा ना, वही बता। तो फिर फायदा नहीं, इतना तो आदमी इंडिया में भी कमा रहा है नाई के काम में यार। इंडिया में उतना कमा ले, हम बोलते हैं कि जो 25-30 हज़ार इंडिया में कमा रहा है जी जी, वो यहाँ ना है। तो इतने तो लगभग वहाँ दिल्ली बम्बई या फिर लखनऊ में आदमी काम कर रहा है तो कमा रहा है? हाँ, अपने इंडिया में ही कमा रहे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो ये आने के बाद ये जो आपने 6,500 रियाल हमें बताए, जो कि 1,30,000 के करीब बनते हैं, 40,000 रुपए करीब, तो इसमें आने के बाद भी कुछ लगता है या बस वही टोटल है? नहीं, आने के बाद भी लगेगा। आने के बाद भी लगेगा, आपका एकामा बनेगा, आपका मेडिकल होगा, आपका इंश्योरेंस बनेगा। तो उसका पैसा कफिल नहीं देता? नहीं, उस सब का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। उसका भी पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। ओके, तो ये दुकान कफिल की है या आपकी खुद की है? ये दुकान कफिल की है, हम भाड़ा देते हैं। अच्छा भाड़ा देते हो, यानी महीने तकरीबन कितना? फिर भी वही 1,500 रियाल। 1,500 रियाल उसको देते है सऊदी को। अच्छा, जो ऊपर के बचेंगे वो आपके खुद के है? तो यार 30,000 रुपए तो तुम थोड़ा बहुत कम नहीं बता रहे कुछ? लाइट बिल जो है अपना भरना पड़ता है, और रूम सामान अपना, रूम अपना, खाना अपना। तो लगभग कितना बन गया? 1,000 रियाल हो गया खर्चे का, लाइट वाइट का, रूम का और यहाँ का सामान का। हाँ, तो 1,000 रियाल चले जाते हैं? 1,000 ऐसे चला जाएगा, 1,500 कपिल को चला जाएगा। अच्छा, मुश्किल से 5,000, 4,500, 3,500 तक का धंधा होएगा महीने में। अच्छा अच्छा, तो इतना काटने के बाद कितना वही 1,500-2,000 बचेगा। चलो जी ठीक है जी शर्मा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए यार हमारे से भाई, धन्यवाद। शर्मा जी थे ठीक है जी यूपी से, और आपने इनसे जाना 30,000-50,000 रुपए वैसे भी कमाते हैं महीने में, 20,000 इनके खर्च भी हो जाते हैं, बचते 30,000 रुपए। अगर आप भी आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो, बेफिक्र होके 6,500 रियाल आपके लगेंगे, जो कि तकरीबन होते हैं इंडिया के 1,30,000-40,000 रुपए तकरीबन बैठते हैं, ठीक है। अगर आप उधर ही काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये भी बता रहे थे कि आप उधर ही करो, इधर आकर कोई फायदा नहीं है फिलहाल। फिलहाल बहुत कम काम चल रहा है लोगों का यार, बहुत ठली है आदमी। सऊदी अरब में भी कोई ज़्यादा बीमारी नहीं चल रही काम की, यानी आप सोचते हो यार सऊदी अरब में पता नहीं क्या है, कितने पैसे आदमी कमा रहे हैं, कुछ नहीं है भाई फिलहाल,
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।